यूं तो बीमारियों के इलाज के लिए अनेकों विधियां हैं और हर बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन रायबरेली में एक होम्यो चिकित्सक ने अपनी दवाइयों से ऐसे मरीजों को ठीक करके दिखा दिया जिनकी बीमारियों से बड़े बड़े डॉक्टर हार मान गए थे। आज के समय जहां एलोपैथिक मेडिसिन का बोलबाला है, वहां रायबरेली में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो होम्योपैथिक इलाज से असाध्य रोगों को भी साध्य बना देते हैं। यहां तक कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी इन्होंने सफल इलाज करने का दावा किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव की, जिन्होंने इलाज की इस पद्धति को एक नया मुकाम दिया है। जी हाँ, कैंसर के बहुत से इलाज मेडिकल कॉलेज में कहा सब ठीक हो सकता है, उनको ठीक किया गया। और किस तरीके के बीमारी? जैसे एक बीमारी होती है एप्लाटिक एनीमिया, जिसका संजय गांधी ने लिख के दिया कि हीमोग्लोबिन 2 ग्राम हो गया। ऑल इंडिया ने कहा कि सब ठीक हो सकता है, उन्होंने 10-12 लाख रुपया मांगा कि नहीं ठीक होता, लेकिन होम्योपैथिक इलाज किया गया, 2 साल इलाज किया गया। ऐसे मरीज जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जिन्हें काफी इलाज के बाद भी आराम नहीं मिल पा रहा था, डॉक्टर श्रीवास्तव ने उन्हें नई जिंदगी दी। अपनी इलाज पद्धति के जरिए इन्होंने चलने फिरने में मोहताज लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और उन्हें जीने की नई प्रेरणा दी। जब मैं डॉक्टर बनकर निकला तो मुझको लगा कि कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो सबका टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा था। टेम्परेरी रिलीफ मिलने में ये हो रहा था कि भाई ठीक है कि जब तक आप इलाज करते हैं तब तक आपको फायदा दिखाई पा रहा है, और जहां आपने इलाज करना बंद किया फिर वैसे ही शुरू हो गया। तो मुझको भी लगने लगा कि नहीं भाई, प्रॉपर लाइन का इलाज नहीं है, कहीं पे प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढा जाना चाहिए। क्योंकि मरीज तो डॉक्टर पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर पास जाता है, तो वहाँ उसको ही मिलता है कि आप इतना बड़ा पैसा खर्च करके इतना रुपया खर्च किया, रिलीफ पे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, तो रोजाना दवाई खाई। तो जब रोजाना दवाई खाई तो मुझको एक फ्रस्ट्रेशन करना पड़ता था कि भाई क्यों नहीं, हम लोग कहते हैं आप सेकंड टू गॉड, लेकिन काम तो कुछ करते ही नहीं। मरीज को एक अपना रिकरिंग अकाउंट खोल लेते हैं कि ठीक है, आता जाता रहता है, दवाई खाता रहता है। हमने इस लाइन पर इलाज किया, मुझको काफ़ी अच्छी सफलता मिली। कब से है? तीन चार महीने। तो फिर क्या किया आपने, किस इलाज कराया कहीं? पहले कराने से फायदा नहीं हुआ, फिर डॉक्टर साहब को करा रहे हैं, कुछ फायदा आया। कितने दिन से इलाज चल रहा था? 1-2 महीने। इसे डॉक्टर साहब का करिश्मा ही कहेंगे कि जो शख्स कानों से सुन नहीं पाता था, जिनके गले से कभी आवाज नहीं निकल पाती थी, आज वो डॉक्टर श्रीवास्तव के इलाज की बदौलत सुन और बोल रहे हैं। सुन नहीं रहे थे, हाँ। इसको ले गया दिल्ली, ले गया। हाँ। क्या हुआ दिल्ली? दिल्ली में इनका पूरा स्टेटमेंट करवाया। हाँ। हाँ, 10-12 हजार रुपए लगे, फिर बाद में बोले कि 6 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन के। ठीक है, पर हमने इसे तब 3 साल की थी। तब फिर ये हुआ कि हाँ, शुद्ध बोले क्यों आप? क्या सुनती कब थी? नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं। यही नहीं, डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपनी मेहनत से सफेद दाग और बदसूरत दिखने वाले चेहरों को भी ऐसा रूप दे दिया जिसकी कभी उस शख्स ने कल्पना भी नहीं की थी। आज के समय में जहां लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, वहीं डॉक्टर श्रीवास्तव महज चंद रुपयों में ही लोगों का इलाज करते हैं। लिहाजा ये कहने से गुरेज नहीं कि डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव गरीबों के लिए भगवान का एक वरदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायबरेली, 3 न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए श्री।